उनके चुनाव का दिन है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारे नासरीन हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, क्योंकि अभी 4 बजने में थोड़ा टाइम है, कुछ ही घंटे बाकी हैं, अभी टाइम बहुत कम है और हमारी जो इतलात के मुताबिक काफ़ी पोलिंग स्टेशन पर लोगों का रश कम है। वजह यही है कि बाहर गर्मी है, पाकिस्तान के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर गर्मी की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन आज के दिन मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करनी चाहिए। आपने आगे 5 साल के लिए अपने मुस्तकबिल का फैसला आज ही करना है, बाद में आप फिर पछताएंगे, बैठ के बातें करेंगे, वो चीज़ें फिर बाद की कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी सिलसिले में हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे कुछ फील्ड रिपोर्टर्स हैं जिनसे हमें मालूम आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और स्टूडियोज़ में जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ 2 गेस्ट भी हैं, नादिर अब्बास हैं, आप म्यूज़िक से आपका ताल्लुक है, आप पावर 99 पे एक शो भी करते हैं, संगत प्रोग्राम, आपको उस बारे में बताएंगे थोड़ा सा, म्यूजिशियन को यहाँ बुलाने का क्या मकसद है वो आप थोड़ी देर में जानेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ वजाहत अली हैं, जो कि यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, हमारी जो पाकिस्तान की 60% यूथ जो है इस वक्त वो क्या सोच रही है, या ये खुद भी यूथ से ताल्लुक़ रखते हैं तो इनके जहन में 2018 की इलेक्शंस के बारे में क्या है, हम ज़रूर जानेंगे। थोड़ा सा आपको ये भी बताती चलूँ कि 25 जुलाई तो जो 2018 की इलेक्शन से ये पाकिस्तान के 11वें आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे पहले अगर हम थोड़ा जायज़ा लें गुज़िश्ता इंतखाबात का, तो अगरचे मुल्क में तो पहले भी जमहूरियत थी, लेकिन जो पहले इलेक्शन हुए थे वो 1970 में हुए थे, उसके बाद 1970 के बाद जो दूसरे इलेक्शन हुए वो 1977 में हुए, इसी तरह 1985 में तीसरे इलेक्शन हुए, और इसी के कुछ अरसे बाद 1988 में चौथे इलेक्शन हुए, और 1990 में 5वें इलेक्शन से इनेकाद हुआ, और इसी तरह 1993 में 6थे इलेक्शन, 1997 में जो 7वें इलेक्शन, और इसी तरह 2002 में 8वें इलेक्शन हुए, और 2008 में 9वें इलेक्शन, और 2013 में हमने 10वें इलेक्शन देखे, अब 2018 में हम 11वें इलेक्शन देख रहे हैं। ये कुछ मालूम आपको हमने बताई, और वोटर्स के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान के बारे में जो वोटर रजिस्टर्ड वोटर्स की लिस्ट है वो ये बताती है कि 10.5 करोड़ वोटर्स हैं जो अपना हक राय दही इस इलेक्शन में इस्तेमाल करने के अहल हैं। अब इन 10.5 करोड़ में से कितने लोग बाहर निकलते हैं, कितने लोग वोट कास्ट करते हैं, ये हमें टर्न आउट बताएगा, जब कि रिजल्ट आएंगे लोग सारी चीज़ें कंप्लाइन होंगी तो पता लगेगा कि कितने लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। तो मेहमानों की तरफ आऊँगी, थोड़ा सा हम सीरियस टॉक तो हम जारी रखें, लेकिन नादिर आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगी क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो बताइए सबसे पहले इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन के आपको कैसा लग रहा है जो रेडियो न्यूज़ नेटवर्क ने इसका इस्तेमाल किया। जी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा स्टेप है, और मैं समझता हूँ कि जो आज का समय है पूरे पाकिस्तान में, उसको हम अपने नाज़रीन तक, अपने सामईन तक पहुँचा रहे हैं अपने रिपोर्टर्स की मदद से, और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। निगत लोगों को निकलना चाहिए, अपनी किस्मत का फ़ैसला करना चाहिए, जो लोग घरों में बैठे हैं, गर्मी हो सर्दी हो, प्लीज़ आप लोग खुद भी जाइए और अपनी फैमिली को भी लेके जाइए और अपना हक के राय दही इस्तेमाल कीजिए, और बिल्कुल ठीक फैसला सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये आपके जो आज का फैसला है वो आपके आने वाले कल पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने वाला है। और मैं देख रहा हूँ कि आज जो एक इवेंट का समय है बाहर, जैसे लोग सेलिब्रेशन करते हैं उस तरह लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अपने अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक कोई ऐसी, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी खबर कहीं से सुनने को नहीं आई। हम दुआ भी करते हैं कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो पोलिंग का प्रोसेस है, वो बखैर हो, आफियत गुजरे, इख्तिताम को पहुंचे। और दूसरी बात, 6 बजे तक पोलिंग होगी, पोलिंग के बाद जो ही पोलिंग क्लोज होगी तो वोटों की गिनती का शुरू हो जाएगा, वो एक उलझाने वाला अमल है, क्योंकि जो पार्टीज हैं, जो नुमाइंदे हैं, जिन्होंने कैंडिडेट्स हैं, उनका इम्तहान होता है, और वो एक एक पल वो गिन गिन के गुजारते हैं, उनका भी, और जो उनके परिस्तार हैं, जो आवाम है, वो भी बार बार टीवी और रेडियो ऑफ कोर्स कौन जीता के कहां से, ये वो मरहला है सामईन, वो एक हमारे, क्योंकि ताल्लुक मेरा म्यूजिक से है, शोबिज से है, तो एक शेर हमारे टीचर हजरात कहते थे जब वो कॉन्सर्ट होने लगता था तो अक्सर म्यूजिशंस की तारें अनट्यून होती हैं, कोई तबले अनट्यून होते हैं, तो वो सारा हमें सुनाते थे कि उस वक्त की कुफ्त याद करो,
उस वक्त की कोफ्त याद करो जब साज मिलाए जाते थे। तो ये वही कोफ्त होती है जनाब, जब वोट की गिनती हो रही होती है और हम सब इंतजार कर रहे होते हैं कि क्या फैसला आने वाला है। और हमारे जो नाज़रीन है वो जरूर जानना चाहते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स के लिए जब वोट कास्ट करते हैं तो रिजल्ट जाना भी जी जी है। तो हम आपको इस बारे में भी आगाह करते रहेंगे। मैं अभी आऊंगी वजाहत आपकी तरफ। जी जी बिल्कुल। आपको सुबह जब आए, आप बाहर निकले, आप इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, तो सबसे पहले तो बताइएगा ना, आप जब ऑफिस की तरफ आ रहे थे तो पोलिंग का टाइम तो शुरू हो चुका था, आप देख के भी आए थे कुछ सिचुएशन, तो क्या आपने देखा बाहर? मुझे इस्लामाबाद के अंदर सन्नाटा नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था कि लोग सो रहे हैं। और वो इस एक ख़तरे की घड़ी है कि अगर इस्लामाबाद की इमाम सो रही है, जिसको माना जाता है कि वो एक पढ़ा लिखा शहर है, अगर वो सो रहा है इस इलेक्शन के अंदर, तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा? इस इलेक्शन से आने वाले 5 साल जो होंगे, जिस हुक्मरान को चुना जाएगा, फिर वो उसके जो पाकिस्तान के ऊपर असरात होंगे वो कैसे होंगे, ये देख के थोड़ा सा डर लगा। और दूसरी बात ये कि इसी 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 दौरान में वो हमारे एक बड़े अच्छे शायर हैं अली जरियून फैसलाबाद के, उन्होंने एक शेर कहा कि मुफलिसों का भी अली बख्त धनी हो जाए, मुफलिसों का भी अली बख्त धनी हो जाए, मुफलिसों का भी अली बख्त धनी हो जाए, वो हुकूमत हो मेरा देश गनी हो जाए। तो यही एक दुआ है हमारी कि इस बार जो हुकूमत आए वो इतना अच्छी हो कि हमारे देश, हमारे जो क्या नाम है, हुकूमत है, हमारा मुल्क है, हमारा अवाम के लिए वो कुछ करे और किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। जी बिल्कुल, हमारी भी यही दुआ है, हम चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क इस क्राइसिस से, हमारे मौशी तौर पर हम देखें तो बहुत ही क्राइसिस में हम हैं, तो जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जो पार्टीज अब तैयार हैं कि हम इस भागदौड़ को संभालेंगे, इस जमहूरी प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे, उनके लिए चैलेंजेस भी बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं। उनके बारे में फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनको डराना नहीं चाहते कि अभी से हम उनको और प्रॉब्लम्स का बताएं, तो उनकी खुशी अधूरी। जहां तक मेरा ख्याल है, उनको चैलेंजेस का ऑलरेडी पता है जो हार रहे हैं, तो अब वो क्या लेकर आते हैं ये उनकी काबिलियत पे है कि वो किस तरह इस चैलेंजेस से निपटते हैं। हमारा देश तो वैसे ही बहुत गनी है हर तरह से, बेशक ऐसे ही है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है पाकिस्तान, बिल्कुल, लेकिन जरूरत सिर्फ एक अच्छे लीडर की और अच्छे एक रहनुमा की, अच्छे इंसान की है, जो हमें और हमारी इस पूरी कौम को और इस मुल्क को बेहतर अंदाज में आगे लेके जाए। किसी चीज़ की कमी नहीं है निगत हमारे पास। बिल्कुल, हम भी यही दुआ करते हैं। तो चले, सीरियस गुफ्तगु तो होती है जी, आपकी तरफ हम आते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, हमारे पास एक म्यूजिशियन है, और इसको म्यूजिशियन को यहाँ बुलाने का मकसद क्या है, हम चाहते हैं कि हम आपको अपडेट्स भी देते रहें, साथ ही साथ में कुछ इंटरटेन भी करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नादिर हो जाए कोई, बिल्कुल जी, गाना, हाँ जी बिल्कुल, गाना भी सुनाएंगे आपको, और पॉलिटिकल जो सॉन्ग्स हैं आजकल दिक्कत जो चल रहे हैं उसके तो मैं गवाह हूँ, क्योंकि पावर स्टूडियोज में जितने आपने यहाँ पे उनके गाने गाए, जी 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 बनाए, हाँ जी, तो वो तो हमारे आंखों देखा है, तो आप कोई पॉलिटिकल सुनाएंगे? नहीं, पॉलिटिकल नहीं जी, मैं जरा मैं पॉलिटिकल गाने बना के कभी किसी के लिए तो कभी किसी के लिए, ऑफ कोर्स स्टूडियो में। बिल्कुल, मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का एक फोक है, उनका एक गाना है, मैं चाहूँगा कि वो मैं अपने नाज़रीन और सामेन के सामने पेश करूँ, थोड़ी सी हम इसको रिलैक्स करते हैं फिज़ा को, और वो मैं बिल्कुल बिल्कुल, और मैं वो गाना आपको गिटार के साथ सुनाऊँगा अभी। तेरे
سامعین کو, ہمارے ناظرین کو انٹرٹین, بہت شکریہ بہت شکریہ, ہمیں بھی انٹرٹین کر دیا آپ نے, ہمیں بھی مزہ آ گیا, میرا تو دل کر رہا تھا یہ گانے ہی چلتے نہیں نکلتے سب گانے کے ساتھ, سیریس باتیں تو صبح سے ہم کر رہے ہیں ریڈیو پہ, اور اب ہم نے باقاعدہ اپنے پاور ٹی وی کے اوپر بھی ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے. بالکل, تو ہم کچھ ڈیٹا بھی شیئر کر رہے تھے, ہمارے میں نے جیسے بتایا تھا کہ ہم اپنی فیلڈ میں جو رپورٹرز موجود ہیں ان سے بھی گاہے بگاہے کوشش کریں گے اپڈیٹس لے لیں, اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ جو لوگ ہمارے رپورٹرز ہیں جو گرمی میں اس وقت باہر ہمارے لیے رپورٹنگ کر رہے ہیں اور آنکھوں دیکھا حال بتائیں گے کہ وہ پولنگ اسٹیشن پہ کیا صورت حال ہے. صبح سے جو ریڈیو ٹرانسمیشن تھی اس میں جو زیادہ تر ہمارے پاور رپورٹرز نے پارٹیسپیٹ کیا, اور کچھ حلقوں سے یہ بھی باتیں سامنے آئیں کہ وہاں پر انتظامات کی کمی دیکھتے ہیں, اسپیشلی پنڈی کے کچھ حلقے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایک رپورٹر پاور رپورٹر ہیں, وہاں پر کچھ حلقوں میں خواتین کے حوالے سے کوئی ارینجمنٹ نہیں تھی, بیچاری خواتین جو بچوں کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرنے آئی تھیں, ظاہر ہے گھروں میں ان کے پاس کوئی رکھنے کے لیے بچے رکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا, تو ان کو مجبوراً اپنے بچوں کو بھی لے کے آنا پڑا اور وہ دھوپ میں کھڑی انتظار کرتی رہی. اسی طرح کچھ پولنگ اسٹیشن پر پانی کا انتظام نہیں تھا, کچھ پولنگ اسٹیشنس پر تو پنکھا ایشو سرے سے نہیں تھا گرمی میں, اور باہر نکلے آپ کو اندازہ ہوگا اور صحیح ہفس کے ٹائم میں وہ بیچاری اتنی دور دور سے ووٹ کاسٹ کر. بالکل بالکل, جب ان کو یہ صورت حال دیکھنے کو ملی تو کچھ خواتین اور کچھ ووٹرس بیچارے دل برداشت ہو کر واپس بھی ہو گئے. تو انتظامیہ کو چاہیے, کیونکہ ہم نے ان پولنگ اسٹیشنس کے اوپر اور ان تمام انتخابات کے اوپر, ملک بھر میں جو انتخابات ہو رہے ہیں, ہم نے اربوں روپے لگائے ہیں اور ہر طرح کی فیسلٹیز ملنا چاہیے. تو ہم یوتھ کی ہم بات کر رہے تھے, وجاہت آپ سے بھی میں پوچھ رہی تھی کہ یوتھ اس دفعہ بہت ایکسائٹیڈ ہے, جہاں تک سوشل میڈیا بتاتا ہے یا سوشل میڈیا پہ ہم جو یوتھ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرجوش ہیں, کہ اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم اپنا ووٹ کاسٹ کریں. جی بالکل, ایسا ہی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو فرسٹ ٹائم اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے, اور جہاں تک بات ان کے جوش و خروش کی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ چینج آئے, کیونکہ ان کے ویژنز بڑے اسٹرانگ ہیں. اب جو یوتھ ہے وہ پرانے, کیونکہ وہ جو فیس ٹرانزیشن فیس سے گزر رہی ہے نا, تو اب یہ جہاں تک دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ چینج ضرور آئے گا. اب کون لے کر آتا ہے اور کیسے لے کر آتا ہے یہ ایک سوال ہے, آیا وہ عمران خان لے کر آتا ہے یا کوئی نواز شریف آتے ہیں دوبارہ یا پیپلز پارٹی کے کوئی آتے ہیں, جو بھی آتے ہیں, لیکن اب غلطی کی گنجائش نظر نہیں آ رہی, کیونکہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پاور بن چکی ہے. ایک مطلب کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ سوشل میڈیا کی مہم بن جاتی ہے, تو وہ اس میں بڑی نظر آتی ہے کہ ہاں بالکل ہر جگہ نظر آتے ہیں. ہاں بالکل, ایسی جیسے بھی مری کا سین ہوا تو مری بائیکاٹ کی پوری مہم چلی تو وہ باقاعدہ اس پر عمل ہوا, ایسا نہیں ہوا. مطلب سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور بن چکی ہے, لوگوں نے جانا چھوڑ دیا. ہاں بالکل, اب وہ کرپشن اور وہ یہ چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں, اب یہ غلطی نہیں ہو سکتی, چھپا نہیں سکتے وہ لوگ, تو ان کو کام کرنا پڑے گا. جو بھی واقعہ ہوتا ہے جی, وہ اسی وقت ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں جی لوگ فون پہ اور اپڈیٹ کرتے ہیں. اور لیکن جیسا آپ نے کہا کہ پولنگ اسٹیشن پہ انتظام نہیں ہے یا پانی نہیں ہے, یا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی عوام ہیں بہت باہمت ہیں اور اب مقابلہ کر سکتے ہیں, اور یہ وقت ہے کہ آگے ہم یہ نہ کہیں کہ گورنمنٹ کا قصور ہے, یہ سب نہیں ہے وہ سب نہیں, یہ وقت ہے اس سینٹینس کو چینج کرنے کا, اس ڈیسٹنی کو چینج کرنے کا, اپنے آپ کو بدلنے کا, کہ اگر ہمیں آگے بھی یہ نہ کہنا پڑے کہ وہاں وہ سسٹم صحیح نہیں تھا وہ سسٹم, تو یہ سسٹم ہم نے خود صحیح کرنا ہے. اپنی اپنی اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے اور جناب اپنی قسمت خود بنائیے اور ملک کو ترقی کی راہ پہ. اور بالکل اسی بات سے اگر ہم آگے چلیں تو جیسے آپ نے کہا کہ ہم ہی چینج کریں گے, اپنے آپ سے جب چینجنگ ہوگی تو تب جا کے پاکستان چینج ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم صرف حکمران کو کہیں گے کہ وہ چینج کریں, وہی وہی بالکل, وہ اگر خود اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے تو پاکستان چینج نہیں ہو سکتا. تو یہ وقت ہے, دس از دا ٹائم. دس از دا ٹائم. میں یہ سوچوں کہ چلو جی وجاہت یا نادر جا کے ووٹ کاسٹ کریں گے, میری کیا ضرورت ہے, میرے ووٹ سے نہیں نہیں, یہ ہر کسی کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے, یہ سوچ بدلنے کی. بالکل بالکل, ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے آرام سے پنکھے اے سی کی ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے, اور ان کو باہر نکلتے ہوئے تھوڑی دقت بھی ہو رہی ہے, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یار اتنی گرمی ہے. بالکل بالکل, چھٹی انجوائے کرنے کا دن نہیں ہے جناب, یہ پلیز جائیے. ووٹس کی جہاں تک بات ہے وہ ویسے ہی ہمارے جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, جو ووٹ لسٹ ہوئے ہیں, وہ ویسے ہی ہماری پاپولیشن سے آدھے ہیں. اگر آپ بھی یہ سوچ کے نہیں جائیں گے کہ ووٹ ہمارا نہیں دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا, تو پھر آپ کی نام موجودگی اور آپ جیسے سوچ والے رکھنے کی اور بہت سارے لوگ ہوں گے, تو پھر وہی جہالت ایک
एक वो अभी अब्राल रख साहब का एक टीवी के अंदर वो चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई एक नून लीग का सपोर्टर्स आया, उन्होंने कहा जी नून लीग जीत जाएगी। अच्छा। तो अब्राल रख साहब ने कहा जी कैसे जीत जाएगी, तो उन्होंने कहा जी ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर तालीम ज्यादा है कि जहालत, तो उनका जहालत तो फिर नून लीग जीतेगी। तो हमें वो जितने हमारे वोट हैं हमें चाहिए कि हम जाके वो कास्ट करें और पाकिस्तान को एक तरक्की की तरफ लेकर जा सकें, क्योंकि यहाँ हमारे पास बिल्कुल हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगी, आप लोग वोट कास्ट कर आए हैं या कर जी? बिल्कुल कर आए हैं, बिल्कुल कर आए हैं। बिल्कुल जी, हम गए थे और अपने हमने बिल्कुल वोट, लेकिन किसको कास्ट किया ये यहाँ हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ जी, बाशऊर जी, मैं ये नहीं कहती कि आप कोई छोटे हैं, आप बाशऊर नहीं हैं, तो आपको कोई गाइड करेगा तो फिर जाके डालेंगे। गाइड करने से मुझे याद आया, हमारे वहाँ पे खैर इलेक्शंस में और इलेक्शंस पहले भी बरादरी के ऊपर बरादरी वाले आ रहे होते हैं, हमारा वोट है किसी को नहीं देना, हमारे बंदे को देना है। इसी तरह रिश्तेदार निकल आते हैं, फूफे ताया चाचा पता नहीं कौन कौन आ जाता है, मोहल्लेदार निकल आते हैं, आपके दोस्त अहबाब निकल आते हैं और आपको फोर्स करते हैं कि आपने हमारे बंदे को वोट देना है, आपने जिताना है इनको। तो मैं समझती हूँ कि ये काम भी नहीं होना चाहिए, ये काम भी होना चाहिए। आजकल नादिर भी आजकल एक बड़ा मजे का ट्रेंड चल गया, वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं जिनको घर में कोई दूसरी बारी पानी भी नहीं पूछता। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक वाक्या शेयर करूंगा अनिकेत, एक दफा कुछ मेरे इत्तेफाक हुआ लोगों से मिलने का अभी रिसेंटली, तो मैंने उनसे पूछा भाई आप वोट किनको दे रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पसंद के जो भी कैंडिडेट था उसका नाम लिया, तो मैंने उनसे कहा यार आपको पता है कि वो बंदा ठीक नहीं है तो आप उनसे उनको क्यों वोट दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा कि जी खैर वो मैं बता देता हूँ, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स थे, तो वो मुझे कह रहे हैं कि यार बीबी को वोट हमने देना है, मतलब बिलावल जरदारी को वोट हम देंगे, तो मैंने पूछा तो क्यों देंगे, तो वो कह रहे हैं यार मरेंगे तो बीबी को क्या जवाब देंगे। अच्छा, मरने के बाद बीबी को क्या जवाब देंगे अगर वोट ना दिया। वैसे नादिर भी इस बात पे मैं बाइस नहीं हूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो की एक चांस है कि वो पाकिस्तान के अंदर तरक्की ला सकता है, उसकी एक रीजन है, एक तो यूथ है, दूसरा उसने ना अपनी जिंदगी के अंदर पैसा बहुत देख लिया, मतलब अब उसके अंदर वो पैसे की तलब नहीं है, वो जितना पैसा अब हो सकता है कि मतलब ये नहीं है कि ना हो सकता है बिल्कुल कि वो टेक्नोलॉजी और ये जिस तरह पूरी दुनिया डेवलप हो रही है वो पाकिस्तान को भी उस रास्ते पर लेकर जाए, वो यंग है उनका उनका उनको वो टेक्नोलॉजी के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। एग्जैक्टली चले जी, अल्लाह करे फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, जो भी आए पाकिस्तान के जी, हम ये चाहे वो बिलावल जरदारी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, बिल्कुल एक्चुअली हर गरीब आदमी और पाकिस्तानी का जो जो मांग है वो यही है जी कि मुल्क आगे तरक्की करे, मुल्क बढ़े। बिल्कुल जी, ऐसा ही होना चाहिए हमेशा, हमारी इकॉनमी स्ट्रांग हो जाए इससे। और हमारे जो पावर रिपोर्टर्स हमने जिक्र किया था, उन्होंने हमें कुछ व्हाट्सएप के जरिए अपने कुछ वीडियोस भी और कुछ फोटोज भी शेयर किए, तो हमारे बाजावट से कुछ रिपोर्टर्स थे, उन्होंने हमें कुछ फोटोज भिजवाए, जो मुझे खुशी मुझे पर्सनली मुझे खुशी हुई, मैंने देखा इन फोटोज में, हम अगर बाद में दिखा सकें अपने नाज़रीन को, कि ख़वातीन वोट कास्ट करने जा रही हैं और ऐसे इलाकों में जहाँ पर कंजर्वेटिव माइंडेड ख़वातीन नहीं निकलती, तो वहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन बाहर निकली, उन्होंने वोट कास्ट किया अपना, और मुख्तलिफ हलकों में ये अच्छी और ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, अचीवमेंट है। और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने 5% कोटा रखा था ख़वातीन को जो उम्मीदवारों के लिए, उनको टिकट्स दे रहे हैं, इसी तरह इलेक्शन के लिए भी ये रखा गया है, मेरे ख्याल में 10% के ख़वातीन का जब तक वोट नहीं होंगे तब तक ये कैंडिडेट का 5% वोट्स के हवाले से अभी भी न्यूज़ में मैं देख रहा था कि कई इलाकों में औरतों को वोट कास्टिंग करने से रोका जा रहा है, लेकिन मुश्किल आ रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पाकिस्तान आर्मी काफ़ी हेल्पफुल है, वो वहाँ पे मौजूद हैं और वो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं टू कास्टिंग द वोट, तो जनाब बिल्कुल वोट ज़रूर कास्ट कीजिए। हम अपने पावर एक रिपोर्टर के पास भी जाएंगे जो हमें कुछ डिटेल बताएंगे, हमारे पावर रिपोर्टर जो इस वक्त डीआई खान में मौजूद हैं, आप उनकी सिर्फ आवाज़ सुन सकेंगे क्योंकि वो फील्ड में हैं, तो हम उनको लाइव लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि सुबह भी हमें रेडियो पे अपडेट करते रहें। रिजवान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिजवान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हमारे कुछ टेक्निकल इशू है मेरे ख्याल में, हम उसको सेट करते हैं, देन हम रिजवान को ऑन एयर लेके हमें वो सुन नहीं पा रहे। रिजवान अभी सुबह भी बता रहे थे कि वो डीआई खान से सुबह रिपोर्ट कर रहे थे, उनका ये कहना था कि वहाँ पे इलेक्शंस सुबह तक तो
खवातीन के पार्टिसिपेशन के हवाले से उन्होंने बताया था कि काफ़ी सारी खवातीन निकल आई हैं जो वोट कास्ट कर रही हैं, इंतजाम के हवाले से कह रहे थे कि तसली बख्श अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कि गर्मी है, गर्मी दिया खान गर्म इलाका है तो थोड़ा सा इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, अदरवाइज इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। तो एक अभी हमें रेडियो के ऊपर जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, कॉलर आए थे इस्लामाबाद के किसी हल्के से बता रहे थे, वो कह रहे थे उन्होंने दिन 1 बजे वोट कास्ट किया है और पता है वो पहले वोटर थे उस पोलिंग बूथ पे, 1 बजे वो अपना वोट डाला है। आप खुद सोचिए 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई है और दिन 1 बजे जब एक जाहिर है एक तो नहीं होंगे वहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही है जो रजिस्टर्ड वोटर हैं। तो ये इस्लामाबाद की बात थी, तो इस्लामाबाद में बार बार हम कह रहे हैं कि या तो वो सारे छुट्टी मनाने गए हैं या छुट्टी का दिन समझ के, परदेशियों का भी शहर है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, लोग बाहर से काम कर रहे हैं, जॉब्स के लिए काम के लिए हमारे आपकी तरह यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो एक कॉलर रिजवान मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। रिजवान आवाज सुन रहे हैं? रिजवान हमारी आवाज आ रही है? जी रिजवान बताइए आप कहाँ पर हैं और क्या बताएंगे पोलिंग के हवाले से? खान की पोलिंग है आपके हवाले से। हेलो, आवाज बहुत कम आ रही है। ये पूछना चाह रही हूँ कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं और पोलिंग के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी इस वक्त मैं डेस्टन खान पे मौजूद हूँ। पोलिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो सुबह की निस्बत यहाँ पे जो पोलिंग की तादाद है या पोलिंग वो है वो ज्यादा हो गई है। अगर मैं वोटों के हवाले से बताता चलूं तो यहाँ पे जो सुबह की निस्बत है वो ज्यादा वोट पोल हो रहे हैं। और अगर मैं ये साथ साथ बताता चलूं कि शुमाली वजीरिस्तान हल्का NA 48 का जो पोलिंग नंबर 112 है वहाँ पे इतना अमला तहाल नहीं पहुँच सका। तहसील मीरअली का इलाका है खैसोर शादामीन कोट, वहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि जिले इंतजामिया को बार बार शिकायत करने के बावजूद अमला अभी तक गैर हाजिर है जिससे वोटों को शदीद मुश्किल का सामना है। जी उनका कहना है कि हमने कई बार शिकायत भी की है लेकिन अभी तक अमला गैर हाजिर है। जी वोटर कुछ यहाँ पे कुछ 20-30 हजार से ज्यादा के लगभग हैं तकरीबन, और ये एक बड़ा पोलिंग स्टेशन है लेकिन चूंकि ये दूर का इलाका है और अभी तक शायद ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से हमला यहाँ तक नहीं पहुँच सका। कितनी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कितनी नाअहली है ये कि वोटर्स खड़े में हैं और वो अभी तक अमला नहीं आया, तो इससे बड़ी करप्शन अब और क्या होगी? और कोई थोड़े वोटर भी नहीं है, 20-30 हजार बता रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ा नंबर है। अब ये वोटर्स किधर कम्पनसेट किए जाएंगे? ये लोग किधर जाएंगे? ये मतलब 2 घंटे रह गए तो वो अगर वो अभी आ भी जाते हैं जो कि अभी तक नहीं पहुंचे तो 20,000 वोट कैसे कास्ट किए जाएंगे? तो ये इस हलके को कैसे वो करेंगे? देखिए हमारे कई रूरल एरिया ऐसे हैं अभी जहाँ तक अभी तक अमला नहीं पहुँचा, जहाँ तक निगत आपने बताया कि 1 बजे पहला वोट कास्ट हुआ है। इस्लामाबाद की बात है वो तो फिर डेरा इस्माइल खान है और उसका एक हलका है, तो इलेक्शन कमीशन को इस बारे में ज़रा अटेंशन होना चाहिए था और होना चाहिए अभी भी, अगर वो कुछ कर पाए, अगर हमारी आवाज़ सुन पाए या किसी मीडियम के जरिए उनका इंफॉर्म पहुँचे। देखिए ना 1 घंटा तो एग्जैक्टली उनके खिलाफ इलेक्शन, ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने वीडियो भी शेयर की हुई है अपनी के सारी कतार में खड़े हुए वोटर्स। जी गर्मी में बेचारे अपना इंतजार कर रहे हैं कि हम वोट
वोट कास्ट करेंगे। तो बहुत ही अफसोस। अभी नीचे अभी न्यूज़ में मैं कोई खबर पढ़ा था निकट के कोई एक या डेढ़ या दो घंटे शायद बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन से कि अगर ऐसा हो जाए तो इन इलाकों के लिए तो बहुत अच्छा है कि चलें वहाँ एक दो घंटा। लेकिन देखिए अभी टाइम 8 बजे से अब कितना टाइम गुजर चुका है, एक दो घंटे से वो फिर एग्जैक्टली क्या होगा अब ये समझे ना कि ये 20,000 वोट उन्होंने पूरे दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कास्ट करने थे। अगर अब वो दो घंटे करेंगे तो उनको फिर पोलिंग बूथ बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पे तमाम वोटर्स, और वो है ही नहीं क्योंकि अब तक अमला नहीं पहुंचा तो पोलिंग बूथ कैसे बढ़ा पाएंगे। या वो एक और तरीका कर सकते हैं कि वो हाथ खड़ा कर दे जी, हमारा सब लोग हाथ खड़ा कर दे जी, पीपल्स पार्टी पीटीआई और नून लीग, दिस इज द बेस्ट वे कंज्यूम कर दे टाइम को। लेकिन इसी तरह इंतखाबात होते हैं, लेकिन ऐसी इलेक्शन भी लेंगे और इसके ऊपर मेरे ख्याल में इलेक्शन यहाँ पे मुलतवी भी हो जाएंगे इस पोलिंग बूथ के ऊपर जो भी जी कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान की होगा। हमारे साथ हमारे एक और नुमाइंदे हैं सलमान शाह जो की 4 सदस्य से हमें रिपोर्ट करेंगे, तो उनसे बात करते हैं। सलमान आप मुझे सुन पा रहे हैं? सलमान आपको हमारी आवाज आ रही है? जी 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 अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। अच्छा हम सलमान आपसे पूछना चाहेंगे, सुबह भी आप हमें पावर 99 के रेडियो पे आप आके अपडेट कर रहे थे, हल्के का बताइएगा जिस हल्के में आप खड़े हैं और अब तक की जो सुबह से पोलिंग जो हो रही थी अब तक की क्या सूरत हाल है, आप लेटेस्ट अपडेट दीजिएगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और चारसद्दा की PK-59 चूंकि हमारा जाती हल्का भी है और साथ साथ में कौमी असम्बली की जानब पे साइड पे NH-24 हमारा हल्का है। सुबह से हम चूंकि कवरेज में मसरूफ है तो सुबह से अब तक सूरत हाल ये है कि चारसद्दा की तारीख में पहली दफा इस तरह हुआ कि बहुत ज्यादा खवातीन घरों से बाहर निकल आई है और वो लोग वोट पोल कर रहे हैं। ये तो जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं चूंकि ऑब्जर्वर की जानिब से या मीडिया के नुमाइंदे की तौर पर तो बहुत से खवातीन आई है और वो वोट पोल कर रही है। साथ साथ में अगर मैं PK-59 के हवाले से बताऊं तो यहाँ पर मुत्तहिदा मजलिस अमल की अब्दुल रऊफ शाकिर और अवामी नेशनल पार्टी के कासिम अली खान, मोहम्मद जई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अभी कैंडिडेट है जिसको PTI ने टिकट दिया हुआ है तो ये इससे दो दफा पहले 10 साल सूबाई असम्बली का मेंबर रहा है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन यही है कि PK-59 पर जो अवामी नेशनल पार्टी का कैंडिडेट है हाजी कासिम अली खान मोहम्मद जई तो उसकी पोजिशन मुस्तकम नजर आ रही है। इलेक्शन अभी पोलिंग का टाइम 6 बजे तक है, 6 बजे के बाद ही पता लगेगा कि कौन मुस्तकम है तो कौन डगमगा रहा है। तो मुझे ये बताएगा, आपने बताया भी कि खवातीन ने काफी अच्छा वो रिस्पांस दिया है, निकल आई है खवातीन वोट कास्ट कर रही हैं, तो आप कुछ टर्नआउट के हवाले से बता सकते हैं कि कैसा है इन्हें 24 में? जी एक तो ये कि जिस तरह आपने कहा कि 6 बजे के बाद ये बात मालूम होगा, ये बात मालूम होगी कि 6 बजे के बाद किसकी पोजीशन मुस्तकम है क्योंकि उन बंदों की उनकी रिजल्ट आ जाएंगी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन की तो ये बात बिल्कुल वाजे हो जाएगी। लेकिन अगर मैं स्पीकर के साथ साथ NH-24 की बात करूं तो NH-24 पर इस दफा मुत्तहिदा मजलिस अमल की MNA मौलाना नसीर गौर शाह जो इससे पहले भी 10 साल MNA रह चुका है और साथ साथ में अवामी नेशनल पार्टी की जो मरकजी क्यादत की जो मरकजी सदर है इस्मंदियार वली खान तो वो भी इसी NH-24 से इस दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इस्मंदियार वली खान का मौके तो यही है क्योंकि उनका पर्दा भी इसी वजह से भारी है कि उसने जो कंपेन के आखिरी मराइल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें उनने बताया था कि मैंने आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ा क्योंकि अब मेरी उम्र इतनी हो गई कि मैं और इससे आगे अवाम की खिदमत नहीं कर सकता। तो उसके हवाले से NA की जानब से PK-58 फिर उसका बेटा भी अवामी नेशनल पार्टी की सीट पर इलेक्शन लड़ रहा है। सही, ठीक है। सलमान और कोई बात जो हमारे नाज़रीन के साथ सामीन के साथ शेयर करना चाहें आप? बस यही बात मैं नाज़रीन को बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा की जितनी इलेक्शन पोजीशन है तो उसमें खुसूसन चारसद्दा और मर्दान की जो पठान है ये लोग हैं, खुसूसन पख्तून बिरादरी तो इन लोगों का खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में काफी हिस्सा रहा है और इस दफा जो खवातीन निकल रही है तो बहुत ज्यादा जो ऑब्जर्वर लोग हैं खुसूसन सोशल वर्कर है मीडिया के लोग हैं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे तो इस चीज को बहुत अच्छी नजर से देखते हैं और खुशी है। अलबत्त एक बात है कि दोपहर 12 बजे के बाद 3 बजे तक के दरमियान में काने और नमाज का थोड़ा थोड़ा वक्फा भी हुआ है साथ साथ में क्योंकि मतलब खवातीन और औरतें
شدید گرمی ہے, یہ بھی ساتھ میں بتاؤں شدید گرمی کی وجہ سے وہ لوگ تھوڑے رک گئے تھے. دوسری سیکورٹی کے حوالے سے بتاؤں تو سیکورٹی فورسز بہت زیادہ ہی پہلے سے بہت زیادہ سیکورٹی تعینات کی ہوئی ہے چارسدہ میں, گت 144 بھی ساتھ میں نافذ ہے. اور دوسری بات یہ کہ سیکورٹی کے پرپروف انتظامات کیے گئے ہیں, پولنگ اسٹیشن کے اندر جو لوگ جا رہے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو, وہ لوگ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں تو ان سے موبائل لیا جاتا ہے یا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنا کمیشن ادھیکار بھی دکھائے یا ہمیں دے دے کہ ہم چیک کریں, جمع تلاشی بھی لیتے ہیں, اور جس کے پاس موبائل فون ہے یا تو اس سے موبائل فون لیتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کے بعد اپنا موبائل فون لے دے. یہ چرسدہ کی تاریخ میں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جتنے زیادہ انتظامات کیے تو یہ بھی اس کا حصہ ہے. امید ہے کہ اس دفعہ جو الیکشن ہو رہا ہے ٹرانسپیرنسی اور شفافیت, تو امید ہے انشاءاللہ یہ الیکشن پاکستان اور خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کامیاب ترین الیکشن ہوگا. چلے بہت شکریہ سلمان شاہ, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے چرسدہ سے جو کہ صبح سے مختلف پولنگ اسٹیشن وزٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے اچھی بات بتائی کہ زیادہ خواتین جو ہیں وہ ووٹ دے رہی ہیں, ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں, تو اپنی ذمہ داری سمجھا اور نکلی تو ہم اپریشیٹ کریں گے. اور ابھی بھی آپ جتنے ہمارے سننے والے ہیں جتنے ہمیں دیکھنے والے ہیں ابھی تک اگر آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, لیکن 6 بجے کے بعد یہ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا اور یہ جو آپ کے پاس ایک حق ہے یہ رائٹ ہے آپ کا وہ حق سے ختم ہو جائے گا. اور وہ پھر اگلے 5 سال آپ نے کچھ نہیں بولا, پھر آپ چپکے سے دیکھتے رہیے پٹتے رہیے روتے رہیے, پھر آپ نے کچھ نہیں کہا, پھر آپ کسی حکومت کو الزام نہیں دے سکتے, آپ کو اپنے آپ پر تنقید کرنی پڑے گی کہ کاش میں اڑ جاتا ووٹ دے دیتا. اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کے بات ہو جائے گی. تو میرے خیال میں سیریس ٹاک کے بعد ایک گانا ہو جائے. بالکل بالکل نادر بھائی کچھ مزے کا رائٹ کریں پروگرام کو, بہت سیریس ہو گیا جی. ہاں زیادہ سیریس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی جب نتائج جائیں گے تو اس کے بعد بہت زیادہ سیریسنس ہونے والی ہے, کچھ لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل جائیں گے, کچھ لوگوں کے بہت سیریس ہو جائیں گے, کچھ روئیں گے. بالکل تو یہ ایک زندگی کا حصہ چلتا رہے گا جی. چلے جی بالکل, کیونکہ میرے پروگرام میں بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میوزک جو ہے روح کی غذا ہے اور ایسا میڈیم ہے کہ اپنا میسج ہم سب تک پہنچا سکتے ہیں. تو چلیے اس سیریز فضا کو تھوڑا سا خوشگوار بناتے ہیں اور میں اپنے کو گٹارسٹ سلمان کو بلانا چاہتا ہوں یہاں پہ میرے ساتھ. آئیے سلمان, اور ہم آپ کو ایک گانا سنائیں گے آنکھوں کے ساگر جو کہ فیوژن بینڈ کا ہے, اس کے ساتھ چلے. آنکھوں کے ساگر ہونٹوں کے ساگر, آنکھوں کے ساگر ہونٹوں کے ساگر, لے ڈوبے ہمیں لے ڈوبے ہمیں, تم بھی نہ بھولو ہم بھی نہ بھولیں, کہ جب دل ملے تو منزل ملے, آنکھوں کے ساگر ہونٹوں کے ساگر, آنکھوں کے ساگر ہونٹوں کے ساگر. تڑپنا میرا ہنسنا تیرا, تڑپنا میرا تڑپنا تیرا, نیند میری سپنا تیرا, تم بھی نہ بھولو ہم بھی نہ بھولیں, کہ جب دل ملے تو منزل ملے,
सागर होठों के सागर आँखों के सागर होठों के सागर। कमाल, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। क्लासेस जी, क्लासेस शुरू है जी, ऐसा आपको पता है। आप आते हैं तो एकदम सीरियस टॉक से बिल्कुल उधर निकल जाता है। बिल्कुल, हमारे पावर एफएम 99 का जी ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो कि म्यूज़िक क्लासेस के लिए है। बहुत सी रजिस्ट्रेशन हो भी चुकी हैं और लोग आ भी रहे हैं, और आइए प्लीज़। बिल्कुल, अपने बच्चों के लिए भी कोर्स है, बड़ों के लिए अलग कोर्स है। जो लोग गिटार सीखना चाहते हैं, पियानो सीखना चाहते हैं, गाना सीखना चाहते हैं, क्लासिकल सीखना चाहते हैं, गज़ल सीखना चाहते हैं, देखिए निगत म्यूज़िक में बहुत से कलर्स हैं, इतने कलर्स हैं कि मतलब मैं कहता हूँ कि इतने फ्लेवर खाने के नहीं हैं जितने म्यूज़िक में फ्लेवर्स हैं। देखिए ना, अभी हम पॉलिटिकल बात से चेंज करते हैं तो सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है और रिफ्रेश और वापस यहाँ आने को दिल नहीं चाहता। दिल तो करता है कि हम गाने सुनते हैं, पब्लिक को बताना भी है कि हमारे जैसे नादिर भाई, अभी आपने कहा ना कि म्यूजिक के बहुत सारे रंग हैं जी, तो वो एक दरख्त ऐसा है जिसके अंदर हर किस्म का फल लगता exactly, है। एग्जैक्टली, तो सियासत exactly. भी कुछ इसी किस्म की है कि ये एक दरख्त है लेकिन इसमें हर किस्म का फल लगा किस्म का फल है। तो ये टेस्टी है कुछ, बिल्कुल ऐसे ही जी, और कुछ पके हैं लेकिन कुछ कच्चे फल भी हैं, और जो पक गए कुछ सड़ भी गए उसके अंदर से, लेकिन वो फिर भी दरख्त में वो कहीं फंसे पड़े और वेट कर रहे हैं कि कहीं वहां से निकल आए। अल्लाह कोई ऐसी आंधी और ऐसी हवा चला के वो जो सड़े हुए फल हैं वो गिरे और नए अच्छा फल जो है वो अच्छा फल है। सावन का महीना रहा है। एग्जैक्टली, वोटर की आंधी चल रही है जनाब, इस वक्त लोग जा रहे हैं। वैसे मेरी गलती है, मैं अपना फोर्ट समझती हूँ कि जो हमारी ये ट्रांसमिशन, ये जो रंगारंगी हम दिखा रहे हैं, हमने अभी तक बताया नहीं कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि मैं आप और वजाहत पे नजर आ रहे हैं, लोग समझते हैं यही लगे हुए हैं, यही काम कर रहे हैं, उनको जो हमारे नाजरीन है उनको नहीं पता कि पीछे एक पूरी टीम है, टीम है जो पूरे प्लेटफॉर्म मेहनत कर रही है, टीमों से लगी हुई है इस पूरे सेटअप को करने में, जो आपको इतना प्यारा हमारा स्टूडियो नजर आ रहा है। तो ये उन्हीं टेक्निकल टीम की मेहनत है, मैं जरूर नाम लूंगी। हमारे टेक्निकल टीम में हमारे शमशाद आफरीदी हैं, शाहिद अब्बासी हैं, शहजाद भाई हैं, हमारे आमिर गुल हैं जिन्होंने ये पूरा सेटअप किया है, इसी तरह हमारे अवेज हैं, मोहम्मद अवेज हमारे इस टीम का हिस्सा हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट नाम मेरे ख्याल में जरूर लेना चाहेंगे नजीब साहब का, इस पूरी सोच के पीछे जो बंदे हैं या जिनका ये पैशन है और जिनके बगैर ये नामुमकिन था, और ये अपना आप उन्होंने इस चीज के लिए वक्फ किया है, वो भी हमारे साथ कब से यू नो स्टूडियो में आए हुए हैं, जाग रहे हैं। तो ये हमारी टेक्निकल टीम को हम बहुत ज्यादा थैंक्स करेंगे, तलवा है, और उसके अलावा जिशान है, जिशान। चले ये तो टेक्निकल टीम की बात हुई, कुछ और टीम भी होती है जो आपको किसी ना किसी तरह फैसिलिटेट कर रही होती है, और हम सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ तकनीकी टीम को थैंक्स करेंगे, हमारी जो मार्केटिंग की टीम है जो हमें खाना प्रोवाइड कर रही है, चाय पानी हमारे लिए इंतजाम कर रही है, उनके बगैर भी ये पॉसिबल नहीं है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, आज वैसे तो छुट्टी कर दी है लेकिन हमारी किसी टीम ने छुट्टी नहीं किया, वजह यही है कि हम ये ट्रांसमिशन आपके लिए लेके आना चाह रहे थे, और इसके लिए हम दो चार लोगों का ये काम नहीं था, पूरा एक एफर्ट है, पूरा एक पैनल है, पूरा ये हमारी जो पावन 99 और रेडियो न्यूज नेटवर्क की इन्वॉल्वमेंट है। तो रऊफ साहब हमारे मार्केटिंग की से, उन्होंने काफी हमारे साथ हेल्प की, हमारी मार्केटिंग को देखते हैं, इसी तरह हमारे क्या नाम है उनके, शाहिद साहब जो एडमंड में होते हैं, और आरएनएन की टीम बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन इतनी है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, आपको इस बात से अंदाजा होना चाहिए कि एक टीम इधर बैठी हुई है और इसी टाइम हमारी जो दूसरी टीम है वो पावर 99 के ऊपर आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ रही है, जो रेडियो प्रोग्राम है वो टीम चला रही है, उसमें रियाज मेसन है हमारे टीम के मेम्बर, वो उसको कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, साथ में उनके एहसन यातु साहब उनको साथ हैं, इसी तरह अलमास हैदर साहब उनके साथ थे, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं, सुबह से एजाज रेडियो के साथ प्रोग्राम कर रहे थे, फिदा हुसैन प्रोग्राम कर रहे हैं, अबीरा है हमारी टीम मेंबर, ये सब लोग अपनी अपनी इनपुट दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात हमारे जो पावर रिपोर्टर्स हैं जिनकी वजह से हम आपको वो तस्वीर या वो बातें बता रहे हैं जो उन्होंने हमारे लिए फील्ड से वो सारी कलेक्ट की हैं, तो उन सबको मैं सलाम पेश करूँगी जो रिपोर्टर्स इस गर्मी में बाहर बैठ के हमारे लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और तमाम टीम का, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का, जो पावर 99 की रेडियो न्यूज़ नेटवर्क की टीम है, उनका हम थैंक यू करेंगे।
ये जरूरी थी बात करनी, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बगैर नहीं ले सकते, बिल्कुल हमारे न सिर्फ न्यूज़ के पीछे बल्कि म्यूजिक के पीछे भी ये तमाम टीम होती है, स्टूडियो वर्क होता है, फैमिली की तरह काम करते हैं, तब आप तक ये रिपोर्टिंग और ये बिल्कुल एक दरख्त की बात की तो ये उस दरख्त की जड़ें हैं, बिल्कुल इसमें कोई भी बासी हो जड़ें जड़ें बिल्कुल ताजी होती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, हमारा और आपका ये साथ और सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि अभी नादिर, निखत और वजाहत भी आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे जो दीगर टीम मेंबर्स हैं आपको ज्वाइन करेंगे। मेरे ख्याल में हमें एक जाने से पहले कुछ आप अगर सुनाना चाहें, जी बिल्कुल, ताकि थोड़ा सा हम अपने नाजरीन से इजाज़त चाहें, वापस आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन हम थोड़ा सा वक्फा ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जी मैं एक राहत फ़तेह अली साहब का गाना मैं सुनाता हूँ, वो सुना के फिर वाइंड अप करते हैं। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। तुम्हें क्या याद है तुमको वो जब तुमने पुकारा था, वही बातें तुम्हारी थी, वही दिन थे तुम्हारे थे, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में लेते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, वो कहते थे वो सब बातें, वो बातें थी महज बातें, मगर बातों ही बातों में बिखरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। थोड़ी देर के लिए बिछड़ेंगे अपने नाज़रीन से, इजाज़त लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद हमारी जो दूसरी टीम है वो भी आपको ज्वाइन करेगी, ये इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला चलता रहेगा हमारे रेडियो पर भी और साथ साथ पावर टीवी के ऊपर भी आप हमें देख सकेंगे, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तो पोलिंग जो चल रही है, 6 बजे तक पोलिंग का टाइम है, जाने से पहले एक दफ़ा फिर अपने तमाम उन नाज़रीन को ये कहूँगी कि अभी तक अगर आपने वोट कास्ट नहीं किया तो प्लीज़ निकलिए, वोट कास्ट कीजिए अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। वजाहत थैंक यू आपका, और नादिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छे हमें ज़बरदस्त से गाने सुनाए, तो हम फिलहाल इजाज़त चाहेंगे, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।